दोस्तों, आपने मिल्क केक कई बार घर में बनाने की कोशिश करी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो मिल्क केक है वो हलवाई जैसा बिल्कुल भी नहीं बनता। दोस्तों, मैंने ये रेसिपी कम से कम 10 बार बनाई है और हर एक बार मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। इसका टेक्सचर सही कब आता है, वो फज कब बनता है, वो दानेदार कब बनता है, वो डुअल शेड कैसे आता है, वो फ्लेवर कैसे आता है, इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं मिल्क केक के बारे में इस वीडियो में और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट मिल्क केक आप घर पर बना पाओ। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है कि आपको एक गहरा टिन लेना है या एक गहरा बर्तन लेना है जिसमें कि आप इस मिल्क केक को सेट करोगे। मैं तो ऐसे करता हूँ कि इसको दो करके ले लेता हूँ, यानी कि एक के ऊपर एक रख देता हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा कि वो देर तक गर्म रहेगा। दूसरा कि आप इसके ऊपर घी जरूर लगा देना। तीसरी चीज जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि आप ये देखो कि ये छोटा है लेकिन गहरा है। अब घर पर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं बनाएंगे, हम कम क्वांटिटी बनाएंगे, तो जो बर्तन आप यूज करोगे उसका छोटा और गहरा होना बहुत जरूरी है। जितना वो छोटा और गहरा होगा उतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे मिल्क केक में। मैं आपको दोस्तों यही सजेशन बोलूंगा कि आप मिल्क केक लोहे की कढ़ाई में बनाना, क्योंकि टेम्परेचर आप ज्यादा रख पाओगे। दूसरी चीज, आप कढ़ाई में पहले थोड़ा सा पानी डालना ताकि दूध जले ना, और फिर 3 लीटर दूध डाल देना फुल क्रीम वाला। कोशिश ये करना दोस्तों कि 3 लीटर से ही बनाना, क्योंकि तभी वो कैरमल कलर सही से आ पाएगा। मैं शुरुआत में ही चीनी डाल देता हूँ। अब चीनी को यहाँ पर डालने का साइंटिफिक रीजन तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये रेसिपी मैंने चीनी शुरुआत में डालकर भी देखी है, बीच में डालकर भी देखी है जब दूध आधा हो गया था, और एकदम एंड में डालकर भी देखी है जब दूध 30% या 20% रह गया था। तीनों कुकिंग में बहुत फर्क आता है। अगर आप एकदम एंड में डालते हो तो आपका जो मिल्क केक है उसको बनने में सेम क्वांटिटी को 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप बीचों बीच डालते हो तो सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क केक को बनने में 1.5 घंटा लग जाएगा, और अगर आप शुरुआत में डालते हो मेरी तरह तो ये मिल्क केक 1.25 घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, तो साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बोर बिल्कुल नहीं करूंगा। फिलहाल आप पहले ये देख लो कि जब शुरुआत में हम पका रहे हैं तो फिर दूध का जो लेवल है वो मेरी करछी के हिसाब से ये है। तो चलो अब दूध को पकाना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, दूध बॉयल होता है 100 डिग्रीज के आसपास, आप खुद ही देख सकते हो थर्मामीटर से। और जैसे ही दूध बॉयल होता है ना, आप इसको थोड़ा सा चलाना, फिर अब शुरू करते हैं कलाकारी। अगर आपको अलवर का मिल्क केक बनाना है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सिट्रिक एसिड या नींबू के सच से बनाना। आपने ऐसे थोड़े थोड़े पिंच करके ड्रॉप करके डालना है। 3 पिंच हर 1 लीटर दूध के हिसाब से 1 पिंच होगा। मैंने ये रेसिपी दोस्तों अलग अलग एसिडिक एजेंट्स के साथ बनाकर देखी है। मैंने सिट्रिक एसिड के साथ तो बनाई ही है, लेकिन मैंने इसको विनेगर के साथ भी बनाकर देखा है, मैंने इसको नींबू के रस के साथ भी बनाकर देखा है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपके घर में सिट्रिक एसिड नहीं है, विनेगर है, तो विनेगर को यूज कैसे करना है आप ये मेथड देख लो एक बार। कि अगर आप विनेगर यूज कर रहे हो तो उसको डालना कैसे है, आप कटोरी में विनेगर लेना और अपनी उंगली से ऐसे ड्रॉप करना। ये बहुत जरूरी है कि आप चम्मच से ना डालो। अगर आप चम्मच से डालोगे या लिक्विड फॉर्म में डालोगे तो जो दाने हैं वो ठीक नहीं आएंगे। ऐसे आप ड्रॉप करके ही डालना, दाने एकदम परफेक्ट आएंगे। अब ये तो हो गई विनेगर की बात, लेकिन वापस चलते हैं अपनी रेसिपी पर। अब देखो, सिट्रिक एसिड डालने के बाद दूध में हल्के हल्के दाने आने शुरू हो गए हैं, और ये जो छोटे छोटे दाने हैं ना, ये धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे। तो बस अब आपने दूध को पकाना है। टेम्परेचर आप देख सकते हो कि अभी भी 100 डिग्रीज के आसपास ही दूध उबल रहा है। बेसिकली दूध को काढ़ना ही है। मेन भाग अभी नहीं है रेसिपी का, मैं बस आपको ये दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि दाना धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया है। मिल्क केक बनाते वक्त ज्यादा कुछ आपने करना नहीं है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो दो है। वो एक तो ये कि आपने मिल्क केक को हमेशा हाई फ्लेम पर बनाना है, जितना आपकी मैक्सिमम फ्लेम होगी उस पे आप बनाना। दूसरी चीज जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि आप जितनी भी साइड्स में फैट लगता है या जो दूध लगता है उसको आप निकाल जरूर देना, बार बार साइड में ज्यादा लगने मत। अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो 50% तक दूध रिड्यूस हो चुका है, और मैं आपको बार बार जानबूझ के थर्मामीटर दिखा रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टेम्परेचर में कितना फर्क आएगा, और वो ही असली गेम है दोस्तों। अभी भी आप देख सकते हो टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास ही है। जैसे ही आप दूध को काफी ज्यादा काढ़ लोगे, लगभग आप कह लो कि आप 30% पर आ जाओगे, फिर आप देखना कि बुलबुले जो हैं वो एकदम से बड़े बड़े होने लग जाएंगे। और जब आप साइड्स में ऐसे चलाओगे ना तो आपको दाने दिखने लग जाएंगे दूध में काफी ज्यादा। बेसिकली अब हो क्या रहा है कि दूध का जो पानी है
वो काफी अलग होना शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे ये पानी उड़ रहा है, जैसे जैसे हम पका रहे हैं दूध को, वैसे वैसे आप नोटिस करो कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया है, 102 के पास आ गया। अब ये कैसे हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। खैर मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 1 घंटे 8 मिनट हुए हैं मेरे को पकाते हुए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों जो आपने करनी है वो ये है कि आप एक फुल स्लीव की टी शर्ट पहन लेना, बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उछलता है और आपने सारी कुकिंग यहाँ पर हाई फ्लेम पर करनी है। दूसरी चीज, एक शील्ड अपने पास रख लेना, बेसिकली ढक्कन है मेरे पास, ये आपको बचाएगा जलने से। अभी आप ये देखो दूध से पानी कितना अलग हो गया है ना, पानी एकदम अलग है। बस आप इस बात को समझ जाना कि ये सारा पानी हमने उड़ाना है, सिर्फ मिल्क सॉलिड्स रहने चाहिए और चीनी रहनी चाहिए। दोस्तों अभी आप देखो बुलबुले कितने वायलेंटली, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं क्योंकि हम हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। जैसे ही यहाँ पानी उड़ जाएगा ना, यही स्टेज है दोस्तों, तो बिल्कुल इसी स्टेज पर आप यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल देना। और अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर यही स्टेज है कि आपका सारा पानी उड़ गया है और आपका जो मिल्क केक है वो पक चुका है, क्योंकि अब दोस्तों इसमें सिर्फ मिल्क सॉलिड्स और चीनी रह गई है। और असली गेम ही दोस्तों चीनी की है। चीनी क्या करती है कि एक हायर टेम्परेचर पर पकाती है मावे को, और वो ही फ्लेवर लेकर आता है, वो कैरमल वाला। और इस चीज को एनहांस करने के लिए हमेशा हलवाई एंड में थोड़ा सा देसी घी और डालते हैं। ये देसी घी बहुत जरूरी है, मैं आपको फर्क दिखाता हूँ टेम्परेचर में कितना आता है। जब ये सारा पानी उड़ जाता है और सिर्फ चीनी, मिल्क सॉलिड्स और घी जब रहता है, तो आप देखो टेम्परेचर में कितना फर्क आता है। ये देखो 99, 100, 101, 103, 104, 105। पहले तो 100, 100, 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ घी डालने से एक्स्ट्रा इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और ये सारा काम आपने हाई फ्लेम पर करना है दोस्तों। अच्छा, आप जल्दी से आप गैस को बंद कर देना, इसको ट्रांसफर कर देना टिन में, और इसको एक मेटल की शीट से ही कवर करना, मेटल से ही कवर करना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद मैंने कपड़ा इसके ऊपर बांध दिया है ताकि ये बहुत देर तक गर्म रहे। और अगर आप ध्यान से कढ़ाई में थोड़ी सी नजर मारोगे ना, तो आपको वहीं पर कलर चेंज होते हुए दिख जाएगा। ये देखो आप कैसे कैरमल कलर आ रहा है। अब साइंटिफिकली अगर बात करूं तो चीनी और घी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मिल्क केक में कलर ला कर देंगी, क्योंकि जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो बहुत देर तक हीट को रिटेन करते हैं, और इतनी हीट रिटेन करने के बाद ही अंदर वो धीरे धीरे करके रंग आता है बीचों बीच। दूसरी बात जो मैंने नोटिस करी इतने सारे मिल्क केक बना के, वो ये थी कि अगर आप ज्यादा सिट्रिक एसिड डालो तो जो आपका दाना है वो बहुत बड़ा आ जाएगा, अगर आप कम सिट्रिक एसिड डालो तो दाना बहुत छोटा आएगा और बर्फी जैसा टेक्सचर भी आ सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप 3 किलो दूध या 3 लीटर दूध बना रहे हो तो सिट्रिक एसिड डालने से डरना मत, 3 पिंच डाल देना, दूध नहीं फटेगा। आखिरी चीज जो मैंने नोटिस करी मिल्क केक बनाते वक्त वो ये थी कि एंड के टाइम में अगर आपने जल्दबाजी नहीं करी और इसको ज्यादा पका दिया, टाइम से नहीं निकाला, तो आपका मिल्क केक जो है वो सूख जाएगा। अगर आपने इसको कम पकाया और पानी ज्यादा रह गया तो फिर ये थोड़ा सा गीला होगा, इसको सेट होने में मुश्किल होगी। तो ये बातें आप ध्यान रखना, आपका मिल्क केक घर में बहुत अच्छा बनेगा। खैर एनीवेज दोस्तों, 5 घंटे बाद आप खुद देख सकते हो कि अभी भी मिल्क केक गर्म है। मैंने इसको 12 घंटे रखा है बिल्कुल ओवरनाइट, और 12 घंटे बाद दोस्तों मिल्क केक बन के पूरा तैयार है। ये देखो आप दोस्तों ये बना कर देखना मिल्क केक इस राखी पे या कोई भी फेस्टिवल हो। और हाँ, जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में अगर आपको मथुरा वाले पेड़े बनाने हैं, वो भी घर पे, घर के दूध और चीनी से, तो अब ये वाली रेसिपी देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है और आपको इसमें सारी बारीकियां पता लगेगी।